जो औरत नवरात्रि में बस एक चुटकी सिंदूर चुपके से यहाँ डाल देगी, उसके पति अमीर हो जाएंगे। आप अगर अपने पति की गरीबी और घर की बदहाली से परेशान हो चुकी है, तो आपकी मांग में भरा सुहाग का प्रतीक सिंदूर ही आपके सुहाग यानी पति को अमीर बनाने में आपकी मदद कर सकता है, आपके जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग खोल सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि जो औरत नवरात्रि में बस एक चुटकी सिंदूर चुपके से यहाँ डाल देगी, उसके पति अमीर हो जाएंगे। अब सिंदूर से किए जाने वाले उपाय को करके अपने जीवन से गरीबी, कंगाली और बदहाली जैसे शब्दों से निजात पा सकती है और अपने पति को अमीर बना सकती है, साथ ही अन्य समस्याओं से भी छुटकारा पा सकती है। सिंदूर का ये उपाय करने के लिए क्या करना है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गुरुजी कहते हैं कि हिंदू धर्म में हर विवाहित महिला के लिए सिंदूर कितना जरूरी होता है, ये बात हम सभी जानते हैं। सिंदूर हर सुहागन औरत की पहचान होती है। इसी सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ अपनी मांग में भरती हैं। इसके अलावा पूजा पाठ में भी सिंदूर का उपयोग किया जाता है, लेकिन इन सारे कामों में प्रयोग होने के अलावा भी सिंदूर का प्रयोग बहुत सारे उपायों में भी किया जाता है। आपको अगर नहीं पता है तो चलिए हम आपको सिंदूर से किए जाने वाले कुछ उपाय बताते हैं, जिसे करने से आपके जीवन की सभी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार सिंदूर में तेल मिलाकर लगाने से शनि देव बेहद खुश होते हैं और धार्मिक मान्यता अनुसार घर के दरवाजे पे सिंदूर लगाने से मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। इतना ही नहीं, सुहाग के निशाने सिंदूर का प्रयोग पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम की कमी हो रही है तो इसके लिए आप सिंदूर का उपाय कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात को सोने से पहले पति अपनी पत्नी के तकिए के नीचे सिंदूर की एक पुड़िया रख दे, पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे कपूर की टिकिया रख दे और फिर अगले दिन सिंदूर को घर से बाहर कहीं फेंक दे और कपूर को जला दे। इस उपाय को करने से दोनों के बीच का प्यार और भी गहरा होता है। आइए आप जानते हैं इस उपाय के बारे में, जिसे करने से आपके पति अमीर हो जाएंगे। अब सिंदूर से किया जाने वाला ये उपाय बुधवार के दिन करें। इसके लिए एक पान के पत्ते में फिटकरी और एक चुटकी सिंदूर बंद करके नवरात्रि में बुधवार की सुबह या शाम को पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप किसी बड़े पत्थर से दबाकर आ जाएं। लेकिन आप इस उपाय को करने के बाद पीछे पलट कर ना देखें। आपको 3 बुधवार तक ऐसा करना होगा। शुरुआत आप नवरात्रि के बुधवार से करें। ऐसा करने से पैसों की आमदनी बढ़ेगी, आपके पति अमीर हो जाएंगे। आपके घर में वास्तु दोष है तो दरवाजे पे रोज सुबह सिंदूर लगाएं। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी। इसके अलावा घर के मेन डोर पे सिंदूर चढ़ी गणेश जी की फोटो लगाएं। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। यदि आप सिंदूर और तेल मिलाकर दरवाजे पे लगाएं तो आपके घर की अशांति हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आप अपने घर के दोषों से मुक्त हो सकते हैं, साथ ही आपकी कुंडली में चल रहे गृह दोष भी खत्म हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा उपाय करने से घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर पाती है। घर की सारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। यदि आपका बिजनेस धीमा चल रहा हो तो आप एकांशी नारियल पे सिंदूर लगाकर उसे लाल कपड़े में बांधकर उसकी पूजा करें। पूजा करते समय मां लक्ष्मी का ध्यान करें। नारियल को बिजनेस प्लेस पे सुरक्षित रख दें। ऐसा करने से पैसों से जुड़ी समस्या आपकी बहुत जल्द ही दूर हो जाएगी और आपके बिजनेस में जल्द ही प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। सिंदूर से किया जाने वाला ये उपाय जानकर अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को पूरी जानकारी देना है, ना कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।